ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आरसीसी बीम कैसे डिजाइन करेंगे। आरसीसी का मतलब क्या होता है? रिइंफोर्स कंक्रीट बीम। इस सॉफ्टवेयर में हम दो चीजें कर सकते हैं, मॉडलिंग प्लस सॉरी एनालिसिस प्लस डिजाइन। अगर कोई बीम है, ठीक है, इसके पास सपोर्ट लगी हुई है दो, और उसके पास ऊपर कोई लोड लगा हुआ है, लोड की वजह से इसमें कुछ बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, कुछ शियर फोर्स जनरेट होगा, कुछ इसमें डिफ्लेक्शन आएगा और रिएक्शन जनरेट होंगी, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं एनालिसिस। बट ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो लोड है इस बीम के ऊपर, इस बीम को, लोड को, ये बीम बेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना? तो कर पाए इसलिए हमें बीम का साइज क्या रखना है कि कोलैप्स ना हो बीम। अभी तो सर स्क्रीन शो हाँ नहीं हुई है। अब हो रही है। सर अब मैं ये कह रहा था कि अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो एनालिसिस का कर रहे थे, आज हम बात करेंगे डिजाइन की, कि भाई हमारे पास बीम तो है, एक सिंगल लाइन में बीम दिखा रहे हैं, उसको जो क्रॉस सेक्शन है वो भी हम ऐसे ही रैंडमली ले लेते थे कुछ भी, है ना, एज्यूम कर लेते थे। बट इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हम कैसे लेते हैं, और इसमें हम कौन सा मटेरियल, इसके अंदर रिइंफोर्समेंट जो डलेगा, सर ये डलेंगे, वो कितना डलेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैनुअली हम बुक्स में, आप आरसीसी पढ़ोगे या जो लोग पढ़ चुके हैं रिइंफोर्समेंट डिजाइन, बुक में अलग होता है, सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा अलग तरीका होता है। तरीका अलग कैसे होता है? बुक में आपको बीम है, आपके पास सपोर्ट है, आपके पास लेंथ गिवन है, आपको लोड भी गिवन है। आप लोड की हेल्प से आप क्या निकालते हो? बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, शियर फोर्स और डिफ्लेक्शन। और ये जो इंटरनल फोर्स लगे हैं, इनको फॉर्मूला लगा के आप बी और डी निकालते हो। बी और डी क्या है? विड्थ और डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर जो बीम का क्रॉस सेक्शन होता है उसका विड्थ और डेप्थ। जब क्रॉस सेक्शन निकल जाता है तो इन इंटरनल फोर्स की हेल्प से आप रिइंफोर्समेंट निकालते हो, कितना इसमें स्टील डलेगा, ठीक है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर में कैसे होता है? सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं? हम एज्यूम करते हैं। हम एज्यूम क्या करते हैं? क्रॉस सेक्शन, यानी कि बी और डी की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ कि मिनिमम जो है 230 mm एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो 230 mm हमने एज्यूम की और हमारा जो है वो बीम फेल हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर में बता देगा कि फेल हो गया है। तो हम क्या करेंगे? फिर थोड़ा सा और बड़ा साइज लेंगे। इस तरह से हम जब तक साइज को चेंज करते रहेंगे जब तक हमारा बीम पास ना हो जाए, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल बात है, सिंपल सपोर्टेड बीम है, एक बहुत सिंपल सा बीम है जिसमें एक तरफ है आपका पिन सपोर्ट और दूसरी तरफ है रोलर सपोर्ट। 5 मीटर का बीम है, इसके ऊपर एक लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन, बस बहुत सिंपल, सेंटर में लग रहा है, ठीक है। ये 2.5 एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी 25 किलो न्यूटन, और यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी 25 किलो न्यूटन, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट भी आ जाएगा, शेयर फोर्स जाएगा, और इसका साइज जो एज्यूम करेंगे हम बीम का 230 बाय 230 mm, ठीक है। ये करके देखते हैं, फिर इसका डिजाइन पे जाएंगे। तो बहुत जल्दी से मैं बनाता हूँ। 0 पे क्लिक किया और 5 मीटर पे क्लिक किया और ग्रिड को क्लोज कर दिया। येलो क्यूब से इसको सेंटर में लिया है, फ्रंट व्यू में लिया है, और हमने इसको यहाँ पे जनरल में गए, जनरल सपोर्ट, फिर यहाँ पे क्रिएट करा, दूसरी साइड आके क्रिएट में पिन सपोर्ट, और दूसरी सपोर्ट है रोलर। रोलर के लिए क्या होता है? फिक्स। रोलर में केवल एफ वाई को छोड़ना है। इसको दोबारा से एक बार बताता हूँ मैं, रोलर सपोर्ट जो है, स्लाइडिंग गेट जो होते हैं वो रोलर सपोर्ट लगी होती है, तो जब रोलर सपोर्ट है तो इस डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, इसलिए इसमें रिएक्शन जनरेट होती है एफ वाई डायरेक्शन में। इसलिए मैं यहाँ पर केवल एफ वाई को छोड़ देता हूँ और सभी पे टिक लगा देता हूँ। टिक लगाने का मतलब है वो रिएक्शन 0 हो गई, ठीक है।
तो मैंने एफ वाई को छोड़ा और ऐड कर दिया। अब इसको अब मैंने यहाँ अप्लाई करना है, ये कर दिया और इसको यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन पे क्लिक किया और यहाँ रेक्टेंगुलर 0.230 0.230 ये हमने एज्यूम किया। लेकिन इसमें एक और टेक्निकल बात ये है कि जो वाई डी है ये डेप्थ है और जेड डी जो है विड्थ है। जो मैंने एज्यूम किए दोनों इक्वल तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया, स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना, बीम का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर हो सकता है लेकिन जब रेक्टेंगल होगा तो हमेशा डेप्थ ज्यादा होती है विड्थ से, ठीक है। ये आपका आईएस कोड में लिखा हुआ है, डेप्थ जो होगी वो हमेशा ज्यादा होगी विड्थ से। अभी तो हमने स्क्वायर माना है, ठीक है। अब मटेरियल कंक्रीट माना है और इसको ऐड किया क्लोज, इसको इस पे हमें अब अप्लाई करना है इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे, असाइन टू व्यू असाइन, ठीक है। लोड में गए अब हम, लोड लोड में हमने ऐड किया डेड लोड, डेड डेड के अंदर दो लोड होंगे, एक लोड जो इस पे लग रहा था 50 किलो न्यूटन, कौन सा मेंबर लोड के अंदर कॉन्सेंट्रेट फोर्स, और डी वन डी टू कोई वैल्यू नहीं दे रहा मैं क्योंकि सेंटर में लग रहा है तो डी वन डी टू की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और माइनस डाउनवर्ड के लिए ऐड किया क्लोज, ये आ गया। अब मैं डेड लोड पे एक और लोड ऐड करता हूँ सेल्फ वेट, जिसका फैक्टर माइनस वन ही रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इन दोनों लोड को बीम के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये तो था आपका एनालिसिस यहां तक, इसके बाद डिजाइन होता है स्टार्ट। इसके बाद भी नहीं, सबसे पहले आपको एक बार एनालिसिस करना होगा कि कोई एरर ना हो, ठीक है। अब मैं जरा इनको भी समझा देता हूं आपको। कोई भी प्रोजेक्ट में अपने मॉडल को जब एनालाइज करते हो तो एक बार आपको यहाँ पे जरूर क्लिक करना होता है एनालिसिस एंड प्रिंट। जब एनालिसिस एंड प्रिंट करते हो तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में बहुत सारे टैब हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एक डिफॉल्ट टैब आता है ये वाला, जिसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नो प्रिंट। नो प्रिंट का मतलब है अगर मैं नो प्रिंट करता हूं तो होता क्या है कि यहां पर देखो, क्लोज करता हूं, यहां पर एक आउटपुट है, यहां पे आउटपुट फाइल जो एनालिसिस के बाद ही आती है। इस आउटपुट फाइल में आपका कोई भी डाटा नहीं होगा अगर मैं नो प्रिंट पे क्लिक करता हूं, ठीक है। अगर मैं नो प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो आउटपुट में कोई डाटा नहीं मिलेगा आपको, ये आउटपुट फाइल है, ठीक है। लोड डाटा पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो लोड डाटा क्या है हमारा, लोड डाटा है हमारा डेड लोड, लाइव लोड, ये सब जो लोड हमें अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं लोड डाटा पे क्लिक करके ऐड करता हूं तो एनालिसिस के बाद इस रिपोर्ट के अंदर केवल लोड के बारे में डाटा होगा। स्टैटिक चेक का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ये सब डायग्राम और इनकी वैल्यूज। तो अगर मैं स्टैटिक पे करता हूं तो लोड प्लस स्टैटिक चेक जो होगा सारा डाटा हमारा रिपोर्ट के अंदर सेव हो जाएगा। स्टैटिक लोड दो तरह के लोड होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक होते हैं जैसे अर्थक्वेक लोड और विंड लोड। तो अगर मैं स्टैटिक पे क्लिक करूंगा और आपने स्ट्रक्चर पे दोनों लोड लगाए हुए स्टैटिक डायनामिक, केवल ये स्टैटिक का लोड प्रिंट करेगा आपका रिपोर्ट के अंदर। मोड शेप का मतलब होता है आपका डायनामिक लोड, इसको मान लो, तो अगर इस पर क्लिक करता हूं तो उसका डाटा आपका रिपोर्ट में सेव होगा। बोथ का मतलब स्टैटिक भी और डायनेमिक भी, दोनों डाटा आपका रिपोर्ट में सेव होगा। ऑल का मतलब है सारा डाटा, स्टैटिक लोड के बारे में डायनेमिक सारा डाटा रिपोर्ट में आपका सेव होगा। अभी मैं रिपोर्ट ओपन करके दिखाऊंगा, वो एनालिसिस के बाद ही होती है। तो इनका मतलब ये, तो इसलिए हमेशा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस ऑल पे क्लिक करना है हमेशा, हमें सारा ही डाटा चाहिए होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ऑल पे क्लिक किया, ऐड कर दिया क्लोज, उसके बाद हम करते हैं एनालिसिस। जीरो एरर आएगा, जीरो एरर, ठीक है, डन। अब देखो मैं यहां दिखाता हूं रिपोर्ट, देखो रिपोर्ट अब यहां पे ऑन हो गई, इसको ओपन करता हूं, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है। अब यहां पे रिजल्ट पे अगर मैं यहां क्लिक करूं तो देखो यहां दिखा रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ना मुश्किल होगा, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो मेंबर का नंबर क्या है, वन, ठीक है। यूटीएल कोई लगा नहीं है उस पर, L1 कोई नहीं लगा, L2 कोई नहीं लगा, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लगा हुआ है -50, ठीक है। और ये आपका कितने पे, लेंथ 2.5 मीटर पे,
और सेल्फ वेट लगा हुआ है 1.0, तो लॉट डाटा हो गया आपका। अगर नो प्रिंट करते तो ये भी नहीं आता यहाँ पे। अब आपका रिजल्ट वो ये रहा, ये हर जॉइंट पे जॉइंट नंबर, दो ही जॉइंट है हमारे, जॉइंट नंबर 1 जॉइंट नंबर 2, उस पर ये इतनी रिएक्शन आ रही है, ठीक है, और मूवमेंट कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। तो ये रिएक्शन और मूवमेंट यानी शियर फोर्स और मूवमेंट और प्लस आपका लोड का डाटा, ये आ गया है ऑल करने पे इसके अंदर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट, ये आ गया बेंडिंग मोमेंट, ये आ गया शियर फोर्स, ये आ गया डिफ्लेक्शन, ठीक है ठीक है। अब इसको डिजाइन करना है, ठीक है। अब मान लो मैं जो आपके ऊपर, इसके ऊपर जो लोड लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, 50 किलो न्यूटन। इसको मैं अगर 5000 किलो न्यूटन भी कर दूं तो भी डिफ्लेक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ शो करेगा ये, है ना। पर ये तो नहीं बताएगा कि 5000 किलो न्यूटन पे हमारा बीम फेल हुआ कि पास हुआ। हो सकता है 5000 किलो न्यूटन से पहले ही 200 किलो न्यूटन पे हमारा बीम कोलैप्स हो जाए, है ना। पर ये एनालिसिस में वो बता रहा है कि अगर 5000 किलो न्यूटन लोड लगाओगे तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा उसके अंदर, है ना। तो डिजाइन और एनालिसिस में फर्क है। एनालिसिस हमें रिजल्ट दिखाता है कि इतने फोर्स की वजह से कितने रिएक्शन इंटरनल फोर्स जनरेट होंगे, पर ये तो हमें पता ही नहीं कि 5000 ये बेयर कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसी को हम डिजाइन बोलते हैं। तो डिजाइन में डिजाइन के स्टेप ध्यान रखना, थोड़े ज्यादा स्टेप हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको यहां पे क्लिक करना है डिजाइन, फर्स्ट स्टेप डिजाइन पे क्लिक करना है। मैं कर देता हूं, डिजाइन पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि यहां पे और ऑप्शन आ गई। यहां पे हमें क्योंकि आरसीसी करना है तो हमें यहां पे सिलेक्ट करना है कंक्रीट, ठीक है। तो मैं कंक्रीट सिलेक्ट कर लेता हूं, कंक्रीट। कंक्रीट के बाद हमें है ना कुछ पैरामीटर डिफाइन करने हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग। आईएस कोड कौन सा है हमारा आरसीसी डिजाइन के लिए, IS 456 2000। ये कभी भी हम रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, जो सेकंड ईयर है बच्चों को बता दूं कि जो आप देखते हो कंस्ट्रक्शन जिसमें सीमेंट एग्रीगेट सैंड और स्टील डलता है, ऐसे एलिमेंट्स को हम आरसीसी बोलते हैं। तो आरसीसी डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक कोड होता है जिसमें गाइडलाइन होती है डिजाइन करने की, उस कोड का नाम है IS 456 2000। तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उस कोड को ढूंढता हूँ, कहाँ ये रहा, देखो IS 456, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब कुछ पैरामीटर हैं जो मैं एक एक करके एक पैरामीटर को समझाऊंगा, लेकिन समझाने से पहले आपको यूनिट चेंज करनी होगी क्योंकि उन पैरामीटर को देने के लिए mm यूनिट चाहिए और न्यूटन चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ यूनिट चेंज हो जाती है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से यूनिट चेंज कर लेता हूँ मिलीमीटर और न्यूटन, ठीक है। मैंने यूनिट चेंज कर ली मिलीमीटर और न्यूटन, ओके कर दिया। अब मैं इसको रफ करता हूँ और एक बार और यहाँ तक के स्टेप बताता हूँ क्योंकि थोड़े ज्यादा स्टेप हैं इसमें डिजाइन में। एनालिसिस करने के बाद में डिजाइन में गया, डिजाइन के बाद में को कंक्रीट डिजाइन करना है, स्टील भी कर सकते हैं, टिम्बर एल्युमिनियम शियर वॉल। कंक्रीट डिजाइन करना है तो कंक्रीट पे क्लिक किया, उसके बाद कंक्रीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना आईएस कोड सिलेक्ट किया जो है IS 456 2000। इसके बाद मैंने यूनिट चेंज की जो यहाँ से होती है न्यूटन और mm। उसके बाद मुझे क्लिक करना है डिफाइन पैरामीटर यहाँ पे, ठीक है। ये सब रफ करके मैं डिफाइन पैरामीटर पे क्लिक करता हूँ। मेन आपका यही स्टेप है, ठीक है, डिजाइन का ये क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर आ रहे हैं लेकिन आपको सारे अब यूज नहीं करने, वो एडवांस लेवल के लिए हैं, ठीक है। ज्यादातर जो यूज होते हैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहला एक आपको लेना है क्लियर, ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ क्लियर। क्लियर पैरामीटर पर क्लिक करने के बाद आपको एड पे क्लिक करना है यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद, ठीक है। जो भी पैरामीटर आपको लेना है पहले उस पैरामीटर पर क्लिक करना है, फिर उसकी वैल्यू डालनी है, फिर उस पर एड पे क्लिक करना है, ठीक है।
तो भाई क्लियर क्या होता है, क्लियर बता देते हैं अब, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी समझ लो, ये आपका क्रॉस सेक्शन है बीम का, ठीक है, ये इस तरह से लेंथ होती है बीम की, इस क्रॉस इसके अंदर स्टील डलता है सरिया इस तरीके से, कितने भी डल सकते हैं, 4, 5, 8, 10, 12, कितने भी, अभी 4 मान के चलो क्योंकि मिनिमम 4 होने चाहिए रेक्टेंगुलर स्क्वायर बीम में, ठीक है। अब इसका ये जो है, ये जो स्पेस है, ये स्टील के ऊपर वाला जो कंक्रीट का स्पेस है, इसको बोलते हैं डी डैश, क्लियर, क्लियर कवर, स्टील में जंग ना लगे, नमी ना जाए, इन्वायरमेंट से बचाने के लिए स्टील के बाहर भी थोड़ा सा कंक्रीट होता है एक लेयर, ठीक है, वो उसको बोलते हैं कवर, और इस कवर को कॉलम के लिए होता है मिनिमम 40 mm, और बीम के लिए होता है मिनिमम 25 mm, और इन्वायरमेंट पे, कंडीशन पे, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, अभी जनरल की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये बीम है तो यहाँ पे कितना लेंगे हम, 25 mm, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 25 mm और एड पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फिर आगे चलते हैं। है कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? सर ठीक है, तो अभी एक पैरामीटर लिया है और कई काफी सारे पैरामीटर है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान देना इसमें, आप जब मैंने पैरामीटर की वैल्यू डाल के ऐड की, तो देखो यहाँ पे ये पैरामीटर पे मैंने क्लिक किया, फिर वैल्यू डाली, फिर ऐड किया, ऐड करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे पैरामीटर आ चुका है लेकिन उसके ऊपर येलो कलर का क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पैरामीटर तो ऐड हो गया है बट वो अभी बीम पे अप्लाई नहीं हुआ है, तो पहले हम सारे पैरामीटर को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, फिर बाद में बीम के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये 25 वैल्यू मुझे कहाँ से मिली, जो हमारा IS कोड है, IS 456-2000 में, ठीक है, रिसर्च करते हैं ना तो इसमें फिर वैल्यू चेंज होती रहती है, मतलब रिसर्च करते रहते हैं, इसमें चीजें डालते रहते हैं, इस तरह से कोड बनते हैं हमारे, ठीक है। अब सेकंड पैरामीटर लेते हैं, इसके बाद है आपको लेना है FC, FC का मतलब है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर आप कुछ लोगों को पता हो तो हम क्या करते हैं, एक 150 mm बाय 150 mm का एक क्यूब बनाते हैं कंक्रीट का, ठीक है, और उस क्यूब को 28 दिन बाद टेस्ट करते हैं, 28 दिन बाद अगर उसकी स्ट्रेंथ आ रही है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है जितनी, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसी तरह से कंक्रीट के ग्रेड्स होते हैं, M20, यानी कि 28 दिन बाद जब क्यूब को टेस्ट किया तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, 20 न्यूटन पर mm² M30, M50, M25, इस तरह से ग्रेड होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि आपका बिल्डिंग में कौन से ग्रेड का कंक्रीट आपको यूज करना है, फिर उस ग्रेड का कंक्रीट बनाना होता है, बनाने के बाद उसके क्यूब टेस्ट करने होते हैं, ठीक है, तब जाके उस मटेरियल को आप यूज कर सकते हैं किसी स्ट्रक्चर में। अब ये कैसे डिसाइड हो, तो ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, प्रोजेक्ट पे, किस टाइप का स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। तो जनरल बिल्डिंग के लिए हम M25 ले लेते हैं, ठीक है, तो M25 का मतलब है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई आपकी, 25, तो यहाँ पे FC की वैल्यू कितनी डालूंगा मैं, 25, और इसको ऐड कर लूंगा, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने FC क्लियर कवर के बाद मैंने लिया FC, FC की वैल्यू डाली 25 जो एज्यूम की गई है, ऐड पे क्लिक किया, और वो फिर यहाँ पे पैरामीटर आ चुका है, इसको बाद में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरामीटर, अब है नेक्स्ट पैरामीटर FY मेन, ये तो कंक्रीट की ग्रेड की बात हो गई, कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं FC, FY मेन है स्टील का कितना यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो स्टील मार्केट में अवेलेबल है बिल्डिंग्स के लिए रिइंफोर्समेंट, वो 415 न्यूटन mm² और 500 के भी मिलते हैं, अब ज्यादातर 500 का यूज होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, 500 न्यूटन पर mm², और इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो अभी तक कितने पैरामीटर हमने यूज किए, 3, क्लियर कवर 25 बीम के लिए होता है, FC कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 25, FY मेन
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन स्टील 500। नेक्स्ट है एफवाई सेक्शन कह सकते हैं उसको, या सेकेंडरी कह सकते हो। आपने देखा होगा जो रिइंफोर्समेंट डलता है, इस तरह से सरिये डलते हैं, उन सरियों को इस तरीके से कुछ थोड़े पतले सरियों से बांधा हुआ होता है ऐसे, है ना। इसका मैं दिखा देता हूं आपको, रिइंफोर्समेंट केज में आप देखोगे बीम के लिए, मान लो ये है बीम का, तो इसमें देख सकते हो ये वाले जो है, ये जो है मेन स्टील है जिसकी मैंने स्ट्रेंथ डाली थी 400-500। अब ये स्टीरअप का पूछ रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, जो स्टीरअप यूज कर रहे हैं हम, इनका डायमीटर कम होता है, तो स्टीरअप की भी लगभग सेम ही स्ट्रेंथ होती है, ठीक है 500 ही। तो मैंने यहाँ पे 500 डाल के ऐड कर लिया ऐड। उसके बाद पूछ रहा है मैक्सिमम, इसके बाद हमारा पांचवा पैरामीटर लेना है मैक्स मेन, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको दिखाया अभी गूगल पे सर्च करके, इस स्टील का कुछ डायमीटर होगा 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm, 16 mm। तो ये डाया जो है वो कितने mm का हम अपनी बिल्डिंग में, हम इस बीम में कितने mm का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा ये, हम एक रेंज दे देंगे। जैसे इसने पूछा है ना मैक्स मेन, मैं चाहता हूँ मेरे इस बीम में, ये जो बीम मैंने बनाया है इसमें 25 mm से ज्यादा का स्टील ना डले, तो मैंने 25 mm एक मैक्सिमम लिमिट सेलेक्ट कर ली और ऐड कर दिया। दूसरा पूछ रहा है जो आपका स्टीरअप है, ये जो आपका स्टीरअप है इसका डाया पूछ रहा है, मैक्सिमम मैं 10 डाल देता हूं इसका, कि 10 से ज्यादा यूज ना हो मेरे इस बीम में 10। अब ये मिनिमम भी पूछेगा, ठीक है, तो ये पैरामीटर भी ऐड हो गया। अब मिन मेन, मेरे यानी कि मेन रिइंफोर्समेंट का मिनिमम, तो आईएस कोड 456 कहता है, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम कितने डाया का रिइंफोर्समेंट हम डाल सकते हैं मेन रिइंफोर्समेंट बीम में, तो आप ये याद रखने ला वो है 12 mm। तो मैं 12 mm पे क्लिक करता हूँ, तो इस सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, मैंने क्या रेंज दिया, 12 mm दी मिनिमम जो आईएस कोड कहता है और 25 दी मैक्सिमम। तो ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, सबसे पहले 12 का डालेगा, अगर 12 में पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 16 का डालेगा, फिर 20 का डालेगा, फिर 25 का डालेगा, जिस रिइंफोर्समेंट में पास हो जाएगा वो रिइंफोर्समेंट ये हमें दे देगा। इसी तरह इसको ऐड नहीं किया, मैं ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह मिनिमम फॉर सेकेंडरी, इसके लिए 10 mm, 8 mm ले लेते हैं ऐड। इसके बाद है रेशियो, रेशियो है कितना परसेंटेज, यानी जो क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन के एरिया का कितना परसेंट आप स्टील इसमें डालना चाहते हो। आईएस कोड कहता है 4% मैक्सिमम, तो हमने 4 डिफॉल्ट है, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक पैरामीटर दोबारा से बताता हूं, इसे क्लोज करके यहां जो आ गए हैं पैरामीटर, क्लियर कवर एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए रिइंफोर्समेंट के बाहर जो लेयर होती है कंक्रीट की, आईएस कोड के अकॉर्डिंग बीम के लिए 25 mm, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील M25 लिया है तो 25 लिया है, स्टील हमने 500 लिया है, यही अवेलेबल होता है मार्केट में, सेकेंडरी भी स्टील के लिए भी हमने 500 लिया है, मैक्सिमम हम चाहते हैं 25 mm से मोटा डाया हमारे स्टील इस वाले स्ट्रक्चर में ना डले, और मिनिमम 12 आईएस कोड कहता है 12 से कम नहीं डाल सकते हम मेन में, और जो सेकेंडरी है उसमें 8 और 10 हमने रेंज दे दी है, और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील वो 4% दे दी है। अब इन सबको इस बीम के ऊपर अप्लाई करना है हमें, तो असाइन टू व्यू, देखो टिक लग गया, पैरामीटर पे क्लिक किया, असाइन टू व्यू असाइन और यस, ग्रीन टिक लगता जाएगा। या आप यूज कर सकते, कोई सा भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो किसी चीज को डालने के लिए। सारे पैरामीटर के ऊपर ग्रीन टिक आ जाना चाहिए। ये आ गया, बस अब आपको एनालिसिस कर देना है दोबारा से। डन, कोई एरर नहीं। अब पता कैसे चले कि डिजाइन हुआ या नहीं, तो आपको डबल क्लिक करना है बीम के ऊपर, और यहां पर देखो, यहां पर कोई भी टैब नहीं आया है,
डिजाइन का एक टैब आता है यहाँ पे डबल क्लिक करने पे, ठीक है, इसका मतलब हमारा बीम फेल हो गया है, डिजाइन ही नहीं कर पाया है। तो आप एक जगह और हम कंफर्म कर लेते हैं फेल हुआ है नहीं, रिपोर्ट में, रिपोर्ट में जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रिजल्ट, रिजल्ट में कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करते हैं, ये आ गया कंक्रीट डिजाइन। तो यहाँ पे कंक्रीट डिजाइन का कोई डाटा नहीं है, इसका मतलब ये फेल हो गया है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था फिनिश से पहले। तो फेल का रीजन क्या है, देखो किसी भी बिल्डिंग में आप लोड तो चेंज नहीं कर सकते ना, लोड कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन खरीदी है, ठीक है, ये मशीन आपने खरीदी है, इसको मशीन को रखने के लिए आपने एक बीम बनाया और दो कॉलम के ऊपर, तो मशीन का वेट है 10 किलो न्यूटन। तो भाई मशीन तो आपको रखनी है ना, मशीन का वेट थोड़ी ना कम करोगे, आपको मशीन तो यूज करनी है, तो आपको बीम का साइज जो आपने कम लिया था उसको थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हैं हम। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा जनरल प्रॉपर्टी, डबल क्लिक करूँगा प्रॉपर्टी पे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वाई डी, डेप्थ कर देता हूँ 300 mm। अब मैंने 230 से 250 नहीं किया, डायरेक्टली 300 कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद 250 में भी वो पास नहीं होगा। एनालाइज करता हूँ दोबारा से, डन, डबल क्लिक करता हूँ, अभी भी फेल हो रहा है, ठीक है, दोबारा डबल क्लिक करता हूँ बीम पे। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों नहीं किया मैंने 230 से 240 mm क्यों नहीं किया, वो इसलिए अगर आपको, आपने बाहर कंस्ट्रक्शन देखी हो तो एक लकड़ी का, टिम्बर का एक फ्रेम बनता है, उस फ्रेम के अंदर ये जो जाल है स्टील का, ये जाल डाला जाता है रिइंफोर्समेंट का, फिर इसके अंदर कंक्रीट फिल किया जाता है ना। अब ये जो फ्रेम आया है आपका टिम्बर का फ्रेम, ये कुछ साइज इनके ना स्पेसिफिक साइज होते हैं, ऐसा नहीं है आप कुछ किसी भी साइज का यूज कर सकते हो, तो आपको ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। मान लो आपका 270 mm पे बीम पास हो रहा है डेप्थ पे, तो आप 300 mm लोगे, क्योंकि 300 mm की फ्रेमिंग आपको इजिली मिल जाएगी, ठीक है, तो ये सब चीजें भी देखनी होती हैं। तो मैं कर देता हूँ अब विड्थ तो कर देता हूँ 300 और डेप्थ कर देता हूँ 350, चेंज और एनालिसिस दोबारा करता हूँ, डन, डबल क्लिक, अभी भी फेल हो रहा है, क्योंकि 50 किलोमीटर, समझ लो कितना होगा, 50 किलो न्यूटन बहुत बड़ा साइज होता है, लोड होता है। तो मैं डबल क्लिक करके अब और बड़ा करता हूँ, इसको तो करता हूँ 500 और इसको करता हूँ मैं 700 mm, डेप्थ 700 mm और विड्थ 500 mm। ये बेस ऑन एक्सपीरियंस जो इंजीनियर है ना, स्ट्रक्चर इंजीनियर, साइज डालता है लगभग उसमें पास ही हो जाता है, ठीक है। क्लोज एनालिसिस, डन, डबल क्लिक करना है, अभी भी फेल हो रहा है, ठीक है, एक बार लोड चेक कर लेना चाहिए आपको, कभी एक जीरो एक्सटर्नल लग गई हो, लोड ज्यादा ना हो, ठीक है। वो 50 किलोमीटर नहीं है तो प्रॉपर्टी पे जाओगे आप, डबल क्लिक, अब आप, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1000 mm डेप्थ और 700 mm विड्थ, चेंज एनालिसिस, डन, डबल क्लिक, अभी भी फेल हो रहा है, ठीक है। ये सब एरर आपके में भी आ सकते हैं। अभी एक बार मैं कंक्रीट डिजाइन भी चेक करता हूँ, क्या पता कंक्रीट डिजाइन में मैं कोई पैरामीटर भूल गया हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर तो बहुत बड़ा होता है तब भी ये फेल हो रहा है। तो चलो हम जाते हैं दोबारा डिजाइन कंक्रीट और यहाँ पर मैं पैरामीटर चेक करता हूँ, बाय मिस्टेक मैं कोई पैरामीटर भूल तो नहीं गया। हाँ, मैं बिल्कुल एक पैरामीटर भूल गया हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आपने आईएस कोड सेलेक्ट करके यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर में कितने पैरामीटर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैरामीटर दिए। इसके बाद एक और काम होता है आपको, इसी के बगल में एक मिलेगा आपको कमांड, यहाँ पर एक चीज और करनी होती है जो मैं भूल गया था। कमांड पे क्लिक करोगे और ये कमांड पूछेगा कि आप करना क्या चाहते हो, बीम डिजाइन, कॉलम डिजाइन, स्लैब डिजाइन। तो मैं बीम डिजाइन करना चाहता हूँ, तो बस मैं डिजाइन बीम पे क्लिक करके ऐड करूंगा क्लोज और इस डिजाइन बीम को बीम के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यानी कि पैरामीटर देने के बाद एक कमांड में ये जरूर पूछता है कि क्या डिजाइन करना चाहते हो, बीम, कॉलम, स्लैब, क्या चीज, ठीक है। अब मैं एनालिसिस करता हूँ,
तो शायद इसी वजह से वो ज्यादा फेल हो रहा था, तो मैं दोबारा से एनालाइज करता हूँ सेव। डन, अब डबल क्लिक करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे टैब आ गया कंक्रीट डिजाइन, ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि वहां पे हम एक पैरामीटर देना भूल गए थे, तो मैं क्लोज करके साइज चेंज करता हूँ दोबारा से। क्या पता उसी 350 230 mm पे ही पास हो जाइए। दो सौ तीस एमएम पर ही पास हो चुका है क्योंकि हम एक पैरामीटर भूल गए थे, लेकिन पैरामीटर भूलने की वजह से हमें एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपका बीम फेल हो रहा है और ये टैब नहीं आ रहा है तो आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको लोड चेक करना है कि लोड में एक्स्ट्रा जीरो या कुछ गलत तो नहीं लग गया, डबल तो नहीं लग गया लोड। सबसे पहले लोड चेक करोगे, लोड के बाद चेक करोगे पैरामीटर। अगर पैरामीटर भी ठीक है, लोड भी ठीक है, इसका मतलब साइज आपको चेंज करना है। फिर आप साइज धीरे धीरे चेंज करोगे और एनालिसिस करके चेक करोगे। अब इसको डिजाइन तो हो गया, अब डिजाइन को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे डिजाइन, कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बीम है इसमें जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बार 12 के, 5 बार 12 के और 2 बार 25 के। यहाँ पे अगर आपको जूम करके आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ लिखा है 5 हैज 12, इधर लिखा हुआ है 2 हैज 12, यहाँ लिखा हुआ है 3 2 हैज 25। अब इसको मैं जरा शीट पे समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। ये आपका है बीम कंक्रीट का, इसके अंदर डलेगा सरिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बार 12 के, इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है 5 बार 12 के और यहाँ लिखा हुआ है 2 बार 25 के। इनका मतलब क्या है, यहाँ पर जो 2 बार डलेंगे, 2 स्टील डलेंगे 25 25 डाया की, ठीक है। ये ऊपर जो डलेगा यहाँ पे 2 बार 12 के, ये 2 बार 12 के हो गए, लेकिन यहाँ पर जो डलेगा, यहां पर डालेंगे 5 बार 12 के, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये स्टील डलेगा और तब जाके हमारा बीम पास होगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि यहां 2 बार यहां 5 बार, पर इनको अरेंज करने के, कि इन स्टील को आपके सॉफ्टवेयर ने तो बता दिया कि कितना स्टील डलेगा, कितने डाया के बाद डलेंगे, पर इनको अरेंज करना होता है। इसके लिए भी कोड आता है SP32, स्पेशल पब्लिकेशन 32। इस वाले कोड में ये दिया हुआ है कि इनको कैसे अरेंज करें, इनके बीच में स्पेसिंग कितनी रखनी है। ये 5 बार ऐसे कि तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू है, तो इनको क्या करना है, ठीक है। वो एक अलग चीज है, उसको समझना भी एक बहुत बड़ी चीज है कि रिइंफोर्समेंट की डिटेलिंग कैसे करें। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग, कि हमने सॉफ्टवेयर की हेल्प से या मैनुअली हमने रिइंफोर्समेंट तो निकाल दिया कि बीम में इतना डलेगा, इतने डाया के बार डलेंगे, पर उनको अरेंज कैसे करें, है ना। जो आपने यहाँ पे देखा ना केज, ये जो केज है इसको अरेंज कैसे करेंगे हम, है ना। इसको हम बैंड कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो बैंड हो रहा है यहाँ पे, ये बैंड, इसको बैंड कैसे करेंगे, ये वाली लेंथ कितनी रखनी है हमें। IS 4562000 में भी दिया हुआ है और SP16 में इनको अरेंजमेंट की पूरी डिटेल दी हुई है कि कैसे। आप देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी कितनी बड़ी अरेंजमेंट है, या स्लैब की या आप किसी और केज की, कहाँ पे कितनी स्पेसिंग, किस तरह से उन्हें अरेंज करना है। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर डिटेलिंग, जो आप SP34 कोड से, 32 कोड से आप समझ सकते हो। अब यही डाटा आप एक जगह और देख सकते हो रिपोर्ट में, ये रहा, यहाँ पे जाऊंगा मैं रिजल्ट कंक्रीट, यहाँ पे इसको समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे बीम की लेंथ 5 मीटर है, M25 कंक्रीट है, FE500 स्टील है, FE500 सेकेंडरी स्टील है, बीम का साइज 230 बाय 230 है, कवर 25 है जो पैरामीटर हमने दिए थे।
अब ये जो स्टील है इसके ऊपर टॉप में भी सरिये हैं और बॉटम में भी सरिये हैं ना, तो टॉप का ही डाटा ये दिया हुआ है और बॉटम का डाटा ये दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 99.98। जब आपने डबल क्लिक किया बीम पे तो वहां पे दिखा रहा था 2 बार 12 की, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 बार 12 का एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा। तो यहाँ एरिया वाइज दिया हुआ है डाटा और वहां पे दिया हुआ था डबल क्लिक करने पे नंबर ऑफ बार, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ बार दिया हुआ है। तो ये आप भी निकाल सकते हो। ये तो जैसे कि 2 बार हैं 12 के, तो इनका एरिया क्या होगा, AST 2 × π/4 × 12 × 12, ये एरिया इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सपोर्टेड बीम डिजाइन करना। अभी बहुत कुछ है इसमें, एक तो आप क्लास के लिए मेरे को 15 मिनट पहले ही रिमाइंड करा दिया करो, बहुत थोड़ा सा काम रहता है, मैं भूल जाता हूँ इसको, क्योंकि टाइम टेबल में तो है नहीं, शेड्यूल खुद ही याद करनी होती है, तो मेरे को याद दिला दिया करो। आप इसमें बताओ किसी का कोई डाउट हो तो। नो सर। आरसीसी को लेके कोई डाउट नहीं है किसी का, कोई सेकंड ईयर में से है कोई, कोई पूछे? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक और चीजें दिखा देता हूँ कि स्टैट प्रो में किस किस तरह के आपको स्ट्रक्चर बनाने आगे जाके। देखो, पूरी की पूरी बिल्डिंग इस तरह से मॉडलिंग होती है। इसमें जो आप ग्रे कलर देख रहे हो, ये है आपका ट्रस स्ट्रक्चर एलिमेंट, ग्रीन कलर है कॉलम एंड बीम, और जो आप पिंक कलर देख रहे हो वो है स्लैब। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, इस तरह के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। वाटर टैंक जो हाइड्रोस्टेटिक लोड जो मैंने कहा था आपको, बाद में बताऊंगा वो आपको, जब मैं ये समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा वाटर टैंक कैसे डिजाइन करते हैं। तो इस तरह की आप मॉडलिंग कर सकते हो, अभी बहुत अभी बेसिक ही चल रहा है आपका। ठीक है, तो आरसीसी डिजाइन के लिए इसका, अच्छा आपका एक क्विज और टेस्ट भी होना है, वो मैं ले लूंगा। तो आरसीसी डिजाइन के लिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद डिजाइन में जाना है, कंक्रीट सेलेक्ट करना है, आईएस कोड सेलेक्ट करना है, डिफाइन पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं, कमांड सेलेक्ट करना है, फिर एनालिसिस कर देना है, फिर डबल क्लिक करके चेक कर लेना है कि कंक्रीट डिजाइन हुआ या नहीं हुआ हमारा। ठीक है, इसमें जो आपका, देखो यहाँ जो स्टीरअप यूज की है इसने, 8 mm की यूज की है स्टीरअप, जो इस तरह से स्टीरअप लगती हैं। और यहां से आप देख सकते हो डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट, लोडिंग प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री। अभी मैं थोड़ी देर बाद ये क्लास होने के बाद व्हाट्सएप पे एक वो भेजूंगा प्रॉब्लम, जो आप सबको अपने अपने पीसी पे करनी है, फिर मेरे को स्क्रीनशॉट उसका भेजना है। ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना क्लास को यहीं लीव करते हैं। ठीक है।